आज की इस वीडियो के अंदर एक्सेल में इंडेक्स एंड मैच के फार्मूले को यूज़ करेंगे। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सेल ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और पहली मरतबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, मेरे पास यहाँ पर एक डाटा मौजूद है और यहाँ पर मेरे पास ये एक दूसरा डाटा मौजूद है। मेरे पास यहाँ पर बैचेस हैं और कुछ सर्च के नेम्स और यहाँ पर मेरे पास उनके जो है रिलेटेड बैच के मुताबिक उनके सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जहाँ पर मेरे पास टाइम और सर का नेम है। मैं यहाँ पर करना ये चाहता हूँ कि इन्हीं बैचेस और नेम के मुताबिक नीचे यहाँ पर उन सर का जो है वो सब्जेक्ट शो हो कि उस कौन सा उनका लेक्चर है। तो ये हम कैसे कर सकेंगे, ये हम इंडेक्स की मदद से कर सकेंगे। असल में इंडेक्स और मैच एक अलग अलग फार्मूला है, लेकिन इनको एक साथ भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम इंडेक्स के फार्मूले से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, आपने इज इक्वल टू लगाना है, इज इक्वल टू के बाद आपने इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखें, इंडेक्स के बाद अरे रो नंबर और कॉलम नंबर। यहाँ पर इंडेक्स के यहाँ पर कुछ तीन आर्गुमेंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। यहाँ पर अरे, अब अरे यहाँ पर क्या होगा, अरे यहाँ पर ये पूरा टेबल होगा जिसमें से हमने ये सारा डाटा यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपने कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद यहाँ पर आपको रो नंबर चूज़ करनी होगी। यहाँ पर देखें 10 AM यहाँ पर किस रो नंबर में है। असल में ये जो 10 टीचर है ना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये फर्स्ट वन रो है। यहाँ पर आप यहाँ से सिलेक्ट देखें 1, 2, 3, 4 और 5। 10 AM इस वक्त 5 रो नंबर पे है, आपने 5 लिखना है। देन आपने कॉमा लिखना है। कॉमा लिखने के बाद आपको यहाँ पर कॉलम नंबर लिखना होगा। कॉलम नंबर यहाँ पर देखें कौन सा, शहजाद सर। हमने यहाँ पर शहजाद सर ढूंढना है। यहाँ पर शहजाद सर किस कॉलम में, यहाँ पर देखें ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3 है, और ये यहाँ पर शहजाद सर जो है हमारे वो कॉलम नंबर 3 में है। यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ। 3 लिखने के बाद यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देखें शहजाद सर का 10 AM पर, यहाँ पर देखें 10 AM पर शहजाद साहब का वेब डिवेलपमेंट का यहाँ पर लेक्चर है। मैं इस वाले कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पर प्रॉपर शो हो। यहाँ पर देखें शहजाद सर का जो है 10 AM पर वेब डिवेलपमेंट का है। इसी तरह मुझे यहाँ पर 10 AM की बजाय मुझे यहाँ पर 8 AM, मैं यहाँ पर 8 AM सिलेक्ट कर लेता हूँ। 8 AM पे यहाँ पर मैं किसी और टीचर का शो करना चाहता हूँ, लाइक वकास सर का। यहाँ पर वकास सर का 8 AM पे, देन आपने इसी फार्मूले पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने रो नंबर सिलेक्ट करना है। रो नंबर यहाँ पर देखें 8 AM, 8 AM टीचर, ये टाइम एंड टीचर 1, 2 और ये 3। यहाँ पर 8 AM इस वक्त नंबर 3 वाले रो में है, नंबर 3 वाले रो में यहाँ पर 3 लिखें। देन आपको यहाँ पर कॉलम नंबर सेलेक्ट करना होगा। कॉलम नंबर यहाँ पर देखें वकास सर कौन से कॉलम में है। यहाँ पर ये कॉलम हो गया 1 और ये कॉलम हो गया 2। यहाँ पर इस वक्त वकास सर वो है 2 नंबर कॉलम पर है। देन आपने इंटर प्रेस करना है। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देखें डेटा साइंस 8 AM पे वकास सर का कौन सा है। 8 AM पर वकास सर का डेटा साइंस का यहाँ पर लेक्चर है। यहाँ पर देखें हमने ये किया है, लेकिन अब हमें करना क्या है, ये देखें हम बार बार इसको जो है वो खुद चेंज कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ वकास सर, कोई और सर लेता हूँ और देन मैं और टाइम लेता हूँ। यहाँ पर मुझे यहाँ पर बार बार चेंज करना पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे बार बार चेंज ना हो, ये खुद ब खुद चेंज हो। इसके लिए हम मैच का फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू मैच। यहाँ पर मैच देने के बाद आपको मैच में 4 आर्गुमेंट्स नज़र आएंगे, लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे, लुकअप मैच टाइप। यहाँ पर 3 है, सॉरी, यहाँ पर आपको 3 मैच की जो है आर्गुमेंट्स मिलेंगे, लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे और मैच टाइप। यहाँ पर लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पर लुकअप वैल्यू ये वाली है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लुकअप वैल्यू के हमें ये वाली वैल्यू जो है वो तलाश करनी है। यहाँ पर कॉमा, देन लुकअप अरे, आपको किस अरे में से आपको ये तलाश करना है, हमें इस वाले टाइम वाले इस अरे में से ये लुकअप वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट करना है, हमने यहाँ से सर्च करना है इसको। मैं यहाँ तक का सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देन कॉमा, कॉमा देने के बाद, कॉमा देने के बाद आपको मैच टाइप लिखना होगा, लेस देन 1। आपने यहाँ पर 0 लिखना है, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच।
एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर जीरो लिखना है, देन शिफ्ट के साथ आपने क्लोज कर देनी है ब्रैकेट्स, देन मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ यहाँ पर देखें 11 AM जो है वो छठे नंबर के रो में है। यहाँ पर देखें 11 AM ये है, मैं यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 6। यहाँ पर देखें 11 जो AM है वो छठे नंबर की रो में है। इसी तरह हम यहाँ पर जो है वो नेम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं इज इक्वल टू मैच। मैच में यहाँ पर फिर से तीन आर्गूमेंट्स आ गए, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी होगी आप बता सकते हैं? हमारे पास लुकअप वैल्यू ये वाली है आसिफ सर, कि हमने यहाँ से आप सर के जो हैं वो लुकअप वैल्यू लेने हैं कि नेम से हम। अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू ये है, मैं सिलेक्ट करने के बाद देन यहाँ पर कोमा देना है, कोमा देने के बाद लुकअप अरे। अब लुकअप अरे हमारे पास ये वाला रो होगी, ये वाली रो आपने यहाँ से यहाँ तक की सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद देन आपने कोमा और फिर आपने जीरो लिखना है फॉर एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए देने के बाद शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट्स क्लोज कर देनी है। क्लोज कर देने के बाद जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पर देखें 4, यहाँ पर देखें जो आसिफ सर है वो 4 नंबर की जो है वो रो में है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 और 4, हाँ इस वक्त आसिफ सर जो है वो चौथे नंबर की जो है वो कॉलम में है। अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे ये वाली चीज़ें, हम यहाँ पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपको यहाँ पर ये तीन नज़र आ रहा है ये कॉलम वाला टाइम वाला, आपने इस तीन को आपने यहाँ से क्लोज कर देना, रिमूव कर देना। रिमूव कर देने के बाद आपने इस वाले रो को यहाँ से सिलेक्ट करना है, क्योंकि फार्मूला इस वाले में अप्लाई है, मैं इस वाले पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देन मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ, सिलेक्ट कर लेने के बाद देन यहाँ पर देखें 2, यहाँ पर आपने इस 2 को रिमूव कर देना है। और इस वक्त हम देख रहे हैं ये नेम, नेम के लिए हमने ये नीचे वाले पे मैच फार्मूला लगाया था, आपने इस वाले पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इंटर प्रेस कर दें, जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर देखें वो चीज़ आ चुकी है यहाँ पर। जैसे ही मैं इधर चेंज करता हूँ यहाँ पर आसिफ सर है, मैं वकास सर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं चेंजिंग होती है। यहाँ पर देखें यहाँ पर चेंजिंग हो रही है, यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर 10 AM करता हूँ, यहाँ पर देखें फिर से चेंजिंग हो। अब हम चाहते हैं कि ये वाली जो चेंजिंग है हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट चाहिए कि हम सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट जैसे ही चेंज करें हमें उसी सर का जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट शो हो। तो इसके लिए आपने इधर डबल क्लिक करना है, इसी ये जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपके पास यही वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा। आपने ये जो H5 जो नीचे वाले हमने यहाँ पर दिया था मैच फार्मूला की लोकेशन, आपने यहाँ इसे रिमूव कर देना है। इधर आपने मैच फार्मूला लगाना है, इसी के अंदर इंडेक्स में आपने मैच फार्मूला लगाना है। मैच फार्मूला लगाने के बाद लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू इस दफ़ा हमारे पास क्या होगी ये वाली होगी। लुकअप वैल्यू देने के बाद देन कोमा और इसके बाद लुकअप अरे, हमने कौन से अरे में से यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक में हमने ये सर्च करना है, देन कोमा और फिर जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच, यहाँ पर जीरो देना है, फिर शिफ्ट के साथ यहाँ पर ब्रैकेट्स क्लोज कर देनी। यहाँ तक का जो है हमारे पास मैच फार्मूला एक रेडी है। देन हम लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर नेम के लिए अब हम मैच फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर मैच, मैच लगाने के बाद लुकअप वैल्यू, इस दफ़ा लुकअप वैल्यू हमारे पास ये वकास सर है, देन कोमा, कोमा लगाने के बाद हमारे पास लुकअप अरे, लुकअप अरे हमारे पास ये वाली वैल्यू है, मैं यहाँ से यहाँ तक का ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लुकअप अरे आ गया, देन मैं कोमा देता हूँ और फिर यहाँ पर जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच, देन मैं इंटर प्रेस करता हूँ, यस यहाँ पर देने के बाद मैं इनको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ये इस ये हमें अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें वकास सर का वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है, अब यहाँ पर हम लेती हैं अहमद सर का, अहमद सर का यहाँ पर देखते हैं 10 AM पे। यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर अहमद सर का देखता हूँ, यहाँ पर देखें अहमद सर का 10 AM पे वेब डिवेलपमेंट का कोर्स है, 10 AM पे अहमद सर का वेब डिवेलपमेंट का कोर्स है। इसी तरह मैं टाइम भी चेंज कर लेता हूँ, लाइक अहमद सर का जो है वो हमारे पास जो है 12 PM पे कौन सा कोर्स है, यहाँ पर देखें ऑटोमेटिक चेंज हो गया, 12 PM पे हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का जो है वो लेक्चर है। यहाँ पर देखें 12 PM पे हमारे पास अहमद सर का यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने इंडेक्स एंड मैच फार्मूले को देखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।